मैं किन्नरी किन्नरीज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पिज्जा, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं पिज्जा। सबसे पहले हम पिज्जा का आटा बनाएंगे। इसके लिए हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए एक बर्तन में गुनगुना पानी लेंगे। गुनगुने पानी में ड्राई एक्टिव ईस्ट और चीनी डालकर 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। अब हम एक बर्तन में मैदा लेंगे और उसके अंदर नमक और तेल डालेंगे। बेलन की मदद से सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। जरूरत पड़े तो हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम ईस्ट डालकर रखा हुआ पानी डालेंगे। पानी को अच्छे से मिलाकर डालेंगे। आप देख सकते हो ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है। आटा बनाने के लिए बेलन से अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपके पास डो मेकर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ईस्ट वाला पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अब हम आटे को हाथों से मिलाकर इकट्ठा करेंगे। आटा हमने अच्छे से बांध लिया है। अब हम आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर उसका गोला बनाकर रखेंगे। आटे को किसी टाइट कंटेनर में ढक कर 3-4 घंटे के लिए साइड में रख लेंगे। चार घंटे हो गए हैं, अब हम आटा चेक करेंगे। आप देख सकते हो आटा फूलकर डबल हो गया है। आटे को हल्के हाथों से इकट्ठा करेंगे। आटा आसानी से बाहर निकल आए उसके लिए हम मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मैदा लेके आटे को बेलेंगे। आप चाहे तो हाथों की उंगलियों की मदद से भी आटे को बेल के बड़ा बना सकते हो। इस आटे में से हम 2-3 सेंटीमीटर जितनी मोटी रोटी बेलेंगे और उसका पिज्जा बेस बनाएंगे। पिज्जा बेस को ओवन की प्लेट पे रखेंगे। पिज्जा बेस पे मरिनारा सॉस लगाएंगे। पिज्जा बेस पे चारों ओर पिज्जा सॉस लगाएंगे। आप मरिनारा सॉस की रेसिपी यानी कि पिज्जा सॉस की रेसिपी मेरे आने वाले वीडियोस में देख सकते हो। ध्यान रहे कि पूरे पिज्जा बेस पे मरिनारा सॉस लगा हो। अब हम पिज्जा सॉस पे स्लाइस किए हुए टमाटर रखेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हो। अब हम लंबी कटी हुई प्याज और मशरूम रखेंगे। मशरूम को मैंने धोकर साफ कर पतली स्लाइस कर लिया है। एक बार फिर से
पिज्जा बनाने के लिए मुझे मेरा बेटा कथन और बेटी मार्गी मदद कर रहे हैं। पिज्जा उन दोनों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। अब हम पतली कटी हुई शिमला मिर्च रखेंगे। सबसे ऊपर चीज डालेंगे। यहाँ मैंने प्रोसेस चीज के साथ साथ मोजरेला चीज भी ली हुई है। अब हम चिली फ्लेक्स और ओरेगानो डालेंगे। आप चाहे तो टॉपिंग्स में लाल या पीली शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। काले या हरे ऑलिव्स या फिर ब्रोकोली भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओवन को पहले से ही 180% तापमान पे प्रीहीट किया हुआ है। अब हम पिज्जा को प्रीहीटेड ओवन में रखेंगे। पिज्जा को 12 से 15 मिनट या फिर पिज्जा बेस पक जाने तक ओवन में रखेंगे। आप देख सकते हो पिज्जा बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। आप चाहे तो गरम गरम पिज्जा पे एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट और कलरफुल वेजिटेबल पिज्जा बनकर तैयार है। अब हम पिज्जा कटर से पिज्जा की स्लाइस बनाएंगे। पिज्जा का गरम गरम ही मजा लेंगे। आशा है पिज्जा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।